हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अपने लास्ट सेशन में हमने पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, आज उन्हीं से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बट एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अपने हाथ में पेन और कॉपी जरूर रखिए, क्योंकि जो भी हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे इसमें कई सारे एमसीक्यूज कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, तो इनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आपके हाथ में पेन और कॉपी होगी तो आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकते हो और खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हो और अपने आप को जज कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अब इसमें क्वेश्चन ले लेते हैं। अब नंबर वन लिखा है, कहता है ए एंड बी आर हैविंग कैपिटल ऑफ ₹2 लाख एंड ₹1 लाख रिस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज बीन अलाउड एट द रेट ऑफ 12% इंस्टेड ऑफ 10%। द एडजस्टमेंट एंट्री इज, कहता है ए और बी जो है दो पार्टनर है, उनकी कैपिटल है 2 लाख और 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहता है जो उनको अलाउ किया गया है, उन्होंने यहाँ पे जो है 10% की जगह 12% के हिसाब से इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा था उनके लिए 10%, बट उन्होंने गलती से यहाँ पे 12% के हिसाब से जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो ले लिया है। अब कहता है बताओ उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी। जैसा कि आपको मैं प्रीवियस अपने सेशन में बता चुका हूँ कि कई बार यहाँ पे जो है कुछ एंट्रीज जो है गलत हो जाती हैं या कोई एंट्री हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, तो अगर यहाँ पे ओमिशन होती है या कोई एरर हो जाती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए फिर हम यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री डालते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी। अब इसके लिए पहले तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें एंट्री क्या होगी। अब कैलकुलेशन में क्या करनी है, हमें देखना है सबसे पहले कि 12% के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने कितना लिया और 10% के हिसाब से जो उनको अलाउड है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। तो पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब जैसे ए और बी हैं, ए और बी अगर हम 12% के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो ए की जो कैपिटल है वो 2 लाख है, 2 लाख पर 12% आ गया 24,000, और जो बी की कैपिटल है वो 1 लाख है, उस पर आ गया 12,000। ये आ गया आपका 12% के हिसाब से इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि गलत है। इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 10% के हिसाब से। अब 10% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो ये बनता है 20,000 और 10,000। ठीक है, जो इनको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने गलत दिया है वो एक तरह से उनसे वापस लेंगे और बदले में जो सही रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा वो उनको प्रोवाइड करेंगे। जो चीज़ पार्टनर को देनी है वो उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है और जो उनसे लेनी होती है उनको क्या करते हैं, डेबिट। तो इसका मतलब ये जो गलत इंटरेस्ट है, गलत इंटरेस्ट उनको दे दिया है उनके अकाउंट से निकालेंगे, इसको डेबिट करेंगे, और जो सही इंटरेस्ट था उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट करने के लिए हम एडजस्टमेंट का टेबल बनाते हैं, बट यहाँ पे जब हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो शॉर्टकट में ही यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे वैसे आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, नंबर एक तो यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, दूसरा इनको इंटरेस्ट जो है टोटल मिलना चाहिए था 30,000 और टोटल इनको मिल कितना रहा है, 36,000 मिलना चाहिए, 30,000 मिल गया इनको 36,000। इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा चार्ज किया गया है। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया है उतना ही प्रॉफिट इनको कम गया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है प्रॉफिट में से चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स को बांटा जाता है। यहाँ पे इन्होंने 12% के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट उन्होंने फालतू चार्ज किया, फालतू इंटरेस्ट चार्ज करने का मतलब हो गया कि पार्टनर्स को प्रॉफिट जो है कम गया है। अब पार्टनर्स को प्रॉफिट कितना कम गया है, तो इनका अगर हम टोटल करें ये 36,000 है टोटल इंटरेस्ट और यहाँ पे कितना बनता है 30,000, तो दैट मीन्स 6,000 प्रॉफिट जो है वो कम गया है, 6,000 प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को कम मिला है। तो उसमें ए का कितना शेयर बनता है और बी का कितना बनता है, 6,000 प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को कम गया है। अब इसमें यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दी है तो इक्वल पार्टनर बनेंगे, तो 3,000 3,000, ए को भी 3,000 प्रॉफिट मिलना है और बी को भी 3,000 प्रॉफिट मिलना है, तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऐड। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे जो है कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्या होगा, 23,000 ए के लिए और 13,000 बी के लिए, 13,000 बी के लिए, ये अमाउंट टोटल इनके अकाउंट में क्रेडिट होगा और जो गलत इंटरेस्ट दिया उसको क्या करेंगे, डेबिट। ठीक
ठीक है, अब डिफरेंस निकाल लो। देखो डेबिट 24,000, क्रेडिट 23,000, तो इसका मतलब ए का यहाँ पे जो है 1,000 जो है वो डेबिट साइड आ रहा है। ए का डेबिट साइड 1,000 है, तो ए को 1,000 के लिए डेबिट करेंगे। बी का 13,000 क्रेडिट में है और 12,000 डेबिट में है, इसका क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब बी को 1,000 के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनी, ए कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और बी कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट 1,000 के लिए। तो देखो इसमें ऑप्शन कहाँ है, ए को 1,000 के लिए डेबिट, बी को 1,000 के लिए क्रेडिट। तो राइट आंसर क्या है, बी पार्ट। ठीक है, इस तरीके से आपने ये कैलकुलेशन करनी है अगर एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे एमसीक्यू आता है। ये तो आपको समझाने के लिए टाइम लग गया, अदरवाइज अगर यहाँ पे समझाना नहीं होता तो टाइम और कम लगता और फटाफट हम यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करनी है और फाइंड आउट करना है यहाँ पे कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी, प्रैक्टिस करो तो अपने आप यहाँ पे क्वेश्चन भी निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। प्रॉफिट अर्न बाय फर्म इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एक्स एंड वाई विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹3,000 टू एक्स एंड ₹1,000 टू वाई, द एडजस्टमेंट एंट्री इज। कहता है यहाँ पे जो भी प्रॉफिट यहाँ पे फर्म ने अर्न किया है वो एक्स और वाई ने यहाँ पे जो है इक्वली डिवाइड कर लिया, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 3,000 एक्स का और 1,000 वाई का, कहता उसको प्रोवाइड नहीं किया गया है। यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट में से चार्ज किए बिना ही यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट इक्वली बांट लिया। अब कहता आपने बताना है इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री क्या है। तो सेम ऐसे ही कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी फिर से। अब दो पार्टनर यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स और वाई, एक्स और वाई को यहाँ पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए था जो इनको नहीं दिया गया है। तो अब इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट 3,000 और 1,000, ये इंटरेस्ट इनको मिलना चाहिए था, नहीं मिला, इसके बिना ही यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट आपस में बांट लिया। तो इसका मतलब एक तो यहाँ पे इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो इनके कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। जो भी पार्टनर को फॉर्म से मिलेगा वो उनके अकाउंट में क्रेडिट में आता है। अब क्योंकि टोटल 4,000 यहाँ पे इंटरेस्ट जो है प्रॉफिट में से यहाँ पे लेस होना चाहिए था, उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट पार्टनर्स को बांटा जाना चाहिए था, इन्होंने यहाँ पे इसको लेस किए बिना ही यहाँ पे जो है प्रॉफिट को बांट दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4,000 प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स को ज़्यादा चला गया। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको नहीं मिला बट बदले में यहाँ पे उनको प्रॉफिट जो है वो एक्स्ट्रा चला गया। कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट गया, 4,000, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट 4,000 है तो 4,000 उनको प्रॉफिट एक्स्ट्रा चला गया। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट गया है इनके अकाउंट से निकालना है, इनसे वापस लेना है। तो अब हमें देखना है कि ये 4,000 जो है इसमें एक्स का कितना, वाई का कितना है। अब उन्होंने लिखा है कि इक्वल पार्टनर है, तो दैट मीन्स एक्स को डेबिट करेंगे 2,000 के लिए, वाई को डेबिट करेंगे 2,000 के लिए। अब इनका डिफरेंस देखो, एक्स का 1,000 क्रेडिट हो रहा है क्योंकि डेबिट में 2,000 है, क्रेडिट में 3,000 है, 3,000 में से 2,000 माइनस करके पीछे किसका बैलेंस होता है, क्रेडिट का। और यहाँ पे वाई का यहाँ पे 2,000 डेबिट है और 1,000 क्रेडिट, तो इसका मतलब वाई का यहाँ पे जो है 1,000 डेबिट साइड आ रहा है। तो अब इसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन गई, वाई को 1,000 के लिए डेबिट करेंगे और एक्स को 1,000 के लिए क्रेडिट। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन, वाई को 1,000 के लिए डेबिट, वाई को 1,000 के लिए डेबिट और एक्स को 1,000 के लिए क्रेडिट। तो करेक्ट हमारा आंसर है बी पार्ट। ठीक है, बाकी हमारे यहाँ पे जो है इनकोरेक्ट है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आपने देखना है। नेक्स्ट कहता, पार्टनर्स एक्स वाई एंड जेड आर इक्वल पार्टनर्स, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट प्रॉफिट हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट कंसिडरिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अमाउंटेड टू एक्स ₹200, वाई ₹300 एंड जेड ₹100, द नेसेसरी जर्नल एंट्री इज। कहता तीन पार्टनर है, एक्स वाई और जेड इक्वल पार्टनर है। कहता यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे बाद में पता किया, यानी कि उनकी बुक से उनको पता लगा कि उन्होंने यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लिए बिना ही यहाँ पे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पार्टनर्स की जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो आगे कैलकुलेट करके दिया है, 200, 300 और 100 है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फॉर्म के लिए इनकम है। तो जो भी यहाँ पे फॉर्म का प्रॉफिट होगा उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करके जो प्रॉफिट आता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसिडर किए बिना ही यहाँ पे प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब कहता आपने बताना है इसकी नेसेसरी जर्नल एंट्री क्या होगी, यानी कि एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी। सेम ऐसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि पहले किसके डेबिट में क्या आया, क्रेडिट में क्या आया।
तीन पार्टनर है एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कहाँ आता है? डेबिट साइड, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से लेना है, तो जिसके कारण पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी वो क्रेडिट में, कम होगी तो डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इनके कैपिटल अकाउंट में क्या करना था? डेबिट। पहले वही कर लेते हैं, एक्स का 200, वाई का 300, जेड का 100। ठीक है, अब टोटल कितना है? ये टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनता है? 600, क्योंकि 600 जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट है, फॉर्म के लिए वो इनकम है, इसलिए यहाँ पे जो है ये प्रॉफिट में ऐड होना चाहिए था, इन्होंने ऐड नहीं किया, उसके बिना प्रॉफिट बांटा। तो मतलब क्या निकलता है कि पार्टनर्स को यहाँ पे 600 यहाँ पे प्रॉफिट जो है कम गया है, टोटल प्रॉफिट पार्टनर्स को 600 कम गया है। तो देख लेते हैं एक्स वाई और जेड का इसमें क्या शेयर है, तीनों इक्वल पार्टनर है। तो अगर 600 यहाँ पे प्रॉफिट, क्योंकि इनका टोटल 600 बनता है, तो 600 प्रॉफिट जो है पार्टनर्स को कम गया है, तो अब हमें यहाँ पे वो प्रॉफिट इनको देना है। तो जब इनको देंगे तो इनके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इक्वल पार्टनर है तो तीनों का शेयर क्या हो गया? 200, 200 और 200। अब डिफरेंस निकाल लो, एक्स का कुछ नहीं है, एक्स के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए 200 और डेबिट होना चाहिए 200, तो मतलब डिफरेंस कुछ नहीं आया। इसमें वाई के डेबिट में 300 है और क्रेडिट में कितना है? 200। तो यानी कि यहाँ पे 100 जो है डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड बढ़ रहा है। जेड का क्रेडिट में हो रहा है, जेड का यहाँ पे जो है डेबिट में 100 है और क्रेडिट में 200 है, तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो क्रेडिट साइड आया है। तो अब इसकी एडजस्टमेंट की एंट्री क्या बन गई कि यहाँ पे 100 रुपीज़ के लिए वाई को डेबिट करेंगे और 100 रुपीज़ के लिए जेड को क्रेडिट। तो देखो इसमें करेक्ट ऑप्शन, एक्स को इसमें कुछ नहीं करना, इसलिए पहली ऑप्शन इनकोरेक्ट, दूसरी भी इनकोरेक्ट, तीसरी भी हमारी इनकोरेक्ट। नंबर फोर, देखो वाई को डेबिट और जेड को क्रेडिट, तो यही चीज़ हमारी यहाँ पे है। तो करेक्ट आंसर है डी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन होंगे उनकी कैलकुलेशन करके फटाफट इसका आंसर निकालना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही तेज़ी आएगी, उतनी आसानी से आप आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर शुड बी ओपन व्हेन कैपिटल्स आर। पार्टनर्स के करंट अकाउंट कहता है कब आपको ओपन करने चाहिए? जब कैपिटल फिक्स्ड है, बी फ्लक्चुएटिंग है, सी आइदर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, डी नोन ऑफ दीज। तो करंट अकाउंट कब ओपन होते हैं? जब पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स रखा जाता है या फिक्स माना जाता है, उसी केस में हर पार्टनर के दो अकाउंट ओपन होते हैं, एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो वही उसने पूछा कि करंट अकाउंट जो है कब ओपन होते हैं? जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रखी जाए, फ्लक्चुएटिंग रखी जाए, या दोनों में से कोई एक रखी जाए, नन ऑफ दीज। तो पार्टनर की कैपिटल अगर फिक्स रखी जाए तभी हम करंट अकाउंट ओपन करते हैं। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी क्रेडिट टू। पार्टनर्स की कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो कहाँ क्रेडिट होता है? फोर ऑप्शन हमारे पास है, इंटरेस्ट अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो इंटरेस्ट अकाउंट जो है, क्योंकि इंटरेस्ट जो है पार्टनर्स की कैपिटल पे दिया गया है, तो फॉर्म के लिए वो एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? डेबिट। बट यहाँ पे उसने क्रेडिट करने की बात पूछी है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कहाँ क्रेडिट होता है। तो इंटरेस्ट अकाउंट में तो क्रेडिट होता नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट को तो हम डेबिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आता नहीं है, क्योंकि पार्टनर्स को जो भी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट माना जाता है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने का सवाल ही नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये एंट्री डेबिट साइड आती है, क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो क्रेडिट कहाँ आता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स को जो भी फॉर्म से मिलता है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो इसलिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर, आगे फोर ऑप्शन दे रखी हैं, विल ऑलवेज हैव ए क्रेडिट बैलेंस, विल ऑलवेज हैव ए डेबिट बैलेंस, आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, डी नाइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। कहता करंट अकाउंट जो पार्टनर का है, क्या उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, या उसका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, या डेबिट और क्रेडिट दोनों में से कोई एक बैलेंस हो सकता है, या डी ऑप्शन है कि ना डेबिट होता है ना क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बता रखा है कि पार्टनर्स के जब हम करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसका दोनों साइडों में से किसी एक साइड का बैलेंस निकल सकता है, डेबिट बैलेंस भी निकल सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी निकल सकता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सी।
आइदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। नंबर सेवन, कहता डी ई एंड एफ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तीन पार्टनर है डी ई और एफ, कहता अपना जो प्रॉफिट बांट रहे हैं वो 2:2:1 की रेशियो में बांट रहे हैं। द प्रॉफिट ऑफ ₹9,000 डिवाइडेड बाय देम इक्वली बाय मिस्टेक। 9,000 का प्रॉफिट जो है वो उन्होंने यहाँ पे बाय मिस्टेक इक्वली डिवाइड कर लिया। रेशियो थी उनकी 2:2:1, बट गलती से उन्होंने यहाँ पे जो है प्रॉफिट इक्वली बांट दिया। द एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन इज, अब कहता बताओ रेक्टिफिकेशन की क्या एंट्री होगी। तो जब हमें कोई हमारी यहाँ पे जो है गलती हो जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम रेक्टिफिकेशन की ही एंट्री करते हैं, जिसको हम एडजस्टमेंट एंट्री भी यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन की एंट्री करने से पहले देखना पड़ेगा कि इनके अकाउंट में किसको डेबिट या किसको क्रेडिट करना है। अब हमें देखना है कि इनका सही प्रॉफिट कितना है हर पार्टनर का और गलती से उनको कितना प्रॉफिट चला गया है। तीन पार्टनर है, वैसे ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी डी ई और एफ। 2:2:1 की रेशियो में इनको प्रॉफिट देना था, बट इन्होंने गलती से इक्वली बांट लिया। तो 9,000 अगर प्रॉफिट तीनों ने इक्वली बांटा है, इसका मतलब एक पार्टनर को कितना मिला 3,000। अब जो गलत प्रॉफिट उन्होंने बांटा उनसे एक तरह से वापस लेना है, तो वापस लेने का मतलब उनके अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो इसलिए 3,000 और 3,000 जो है इनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, और जो सही प्रॉफिट इनको देना था 2:2:1 की रेशियो में, ये इनके अकाउंट में क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो 9,000 × 2/5 ये आ गया 3,600 और बाकी कितना बच गया 2,472 ये आ गया 1,800। तो इनका जो सही प्रॉफिट है वो 3,600 और 1,800 है, जो इनके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। अब देखो डी जो है उसके अकाउंट में 3,600 क्रेडिट होना चाहिए था प्रॉफिट का, जबकि हमने गलती से कर दिया 3,000, तो डिफरेंस कितना आया 600। अब ये 600 क्या करेंगे क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट सेट बड़ी है। ई का भी ऐसा ही है, क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा डेबिट कम है, तो डिफरेंस निकाल के पीछे जो बढ़ेगा वो किसका बढ़ेगा क्रेडिट का। एफ का 3,000 डेबिट साइड बढ़ा है और क्रेडिट में 1,800 कम है, 1,800 कम है तो डिफरेंस जो हो गया वो 1,200 हो गया डेबिट में। तो इसका मतलब अब यहाँ पे जब एडजस्टमेंट की एंट्री डालेंगे, एफ को हम 1,200 के लिए डेबिट करेंगे, डी और ई को यहाँ पे 600 के लिए क्रेडिट करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन कौन कौन सी है, इसमें राइट ऑप्शन कौन सी है। एफ को 1,200 के लिए डेबिट, ये देखो एफ को 1,200 के लिए डेबिट, डी और ई को 600 के लिए क्रेडिट। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास, यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। और कैलकुलेशन हमने की तो पता लगा कि इसमें एफ को डेबिट 1200 के लिए और डी और ई को 600 के लिए क्रेडिट। तो राइट आंसर है ए पार्ट। नेक्स्ट कहता था प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज मेड टू, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं। आगे फोर ऑप्शन है, कैलकुलेट प्रॉफिट अब्लिक लॉस फॉर द ईयर, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, सी एडजस्ट कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, डी करेक्ट पास्ट एरर्स एंड ओमिशंस। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्यों बनता है, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट सेशन में कि जो भी हमारी पास्ट एरर्स होती हैं ओमिशन होते हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए हम यहाँ पर जो है दो मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मेथड होता है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं, उसको यूज़ करके अपनी पास्ट एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं, या दूसरा होता है एक सिंगल एंट्री, जिसमें हम एक सिंगल एंट्री डाल के ही हम यहाँ पे जो है अपनी रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब जो हमने पहले क्वेश्चन जिसमें हमने कैलकुलेशन की उसमें हमने सिंगल एंट्री बताई, ठीक है। अब यहाँ पे उसने ये पूछा हुआ कि प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो क्यों बनाया जाता है, तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए तो ये बनता नहीं है, उसके लिए तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को बनाते हैं ना। ये प्रॉफिट जो है पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और ना यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या है, करेक्ट पास्ट एरर्स एंड ओमिशन, कि अपनी जो पिछली एरर्स हैं या कोई ओमिशन हैं यानी कि एंट्री डालना भूल गए उनको करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है डी पार्ट। नेक्स्ट कहता है विच आर द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
फोर ऑप्शन दे रखी है, क्या तो बताओ। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं तो किस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं? ए पार्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, बी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो किस चीज़ को हम कंसिडर करते हैं? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जो नॉर्मल हम ड्राइंग्स करते हैं पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए जो पैसा हम बिजनेस से निकालते हैं, और मेनली पर्सनल यूज के लिए जो पैसा हम निकालते हैं बिजनेस से वो अपने प्रॉफिट के शेयर के मुताबिक निकालते हैं। तो जो ड्राइंग्स होती हैं उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम कंसिडर नहीं करते, उनका कोई लिंक नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसका मतलब है कि जब हम कैपिटल का पोर्शन जो है अपने बिजनेस से विड्रॉ करते हैं, तो जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो वही कैपिटल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं जो बिजनेस के अंदर होती है, जो हम निकाल चुके हैं उस पे कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं किया जाता या नहीं दिया जाता। इसका मतलब जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो है इसको कंसिडर करके ही करेंगे कि भाई इतनी कैपिटल हमने लगाई थी, इतनी अगर हमने निकाल ली है, अब पीछे कितनी कैपिटल बची उस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है उसको हम यहाँ पे टोटल कैपिटल में से माइनस करके बाकी जो रिमेनिंग कैपिटल होती है उस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट। तो बी बोथ ए एंड बी ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग जो है पर्सनल यूज के लिए हम करते हैं उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हुए कंसिडर नहीं करते, ठीक है। तो सी और डी ये दोनों इनकरेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बी पार्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। अब नेक्स्ट सेशन में हमारा पार्टनरशिप का अगला जो पार्ट है वो स्टार्ट होगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो उसमें भी हमारी कुछ कैलकुलेशंस हैं, अब उसमें किस तरीके से यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ये नेक्स्ट सेशन से उसकी शुरुआत होगी। तो दोस्तों मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।